आज मैंने कमरा शिफ्ट यूँ किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कि वहाँ पर हमारी जो लैंड लेडी हैं वो अपना सोफे वगैरह कुछ कुशनिंग करा रही हैं। ईद ज़ाहिर करीब है और उनके यहाँ कोई तकरीब या तो होगी या जो भी होगा, बहरहाल तो वहाँ आवाज़ बहुत, शोर बहुत था, नॉइस, ठक 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 ठक, कुछ कह भी नहीं सकते, पड़ोस का मामला है। बहरहाल देखते रहिए खालिद ज़फ़र यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक सवाल, हमारे करम फरमा है साबिर हुसैन साबिर, उन्होंने पूछा था कि खालिद भाई ये बताइए कि इस फील्ड में आने का तरीक़ाकार क्या है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक वक्फे के बाद कि इस ट्रेड में किस तरह आया जाता है, ये कौन से तरीक़े हैं। तो देखते रहिए खालिद ज़फ़र यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खालिद ज़फ़र और मेरे YouTube चैनल का नाम भी है खालिद ज़फ़र। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल का आइकन है इसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का भी पता चलता रहे। जी तो साबिर हुसैन साबिर, आपके सवाल का जवाब है कि एक ज़माना था इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल था, फिर ज़माना बदल गया, फिर थोड़ा आसान हुआ, फिर और आसान हुआ और अब तो बिल्कुल आसान हो चुका है। अब तो फील्ड में आना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ फील्ड में आना बहुत आसान है। तो साहब हमारी फील्ड में आने के कुछ तरीके हैं जिनमें से तीन तरीके मैं आपको बता दूँ। नंबर एक, आप में टैलेंट होना चाहिए। नंबर दो, आपको खुशकिस्मत होना चाहिए। नंबर तीन, आपके हलके अहबाब में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं। तो ये इसका अंदाज़ा तो आपको होगा, जो कि अक्सर 99% नहीं होते। अब 1% के अगर ताल्लुकात हैं और वो आ जाते हैं काम करने के लिए तो आप यूँ समझ लें कि वो बहुत कम होते हैं, और अगर ताल्लुकात के बिना पे कोई आ भी जाता है तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। एंट्री तो हो जाती है लेकिन जिसके ज़रिए से आप आए हैं वो आपके अंदर घोल के पिला नहीं सकता अदाकारी को, और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है जो सिखाया जा सके। हाँ, मोटी मोटी चीज़ें ज़रूर सिखाई जा सकती हैं लेकिन अंदर का टैलेंट वो तो आपको खुद ही निकालना पड़ता है। अब ये कि आप में सलाहियत है या नहीं है, आप कहें मुझे गाने का बहुत शौक़ है, मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो भाई गाना गाने के लिए अगर शौक सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि कुछ और अवामिल में है, यानी आपको सुर में होना चाहिए, लय में होना चाहिए। अगर आप सुर और लय में नहीं हैं, अगर आपके कान ही बेसुरे हैं तो आप क्या गा सकते हैं। वो है ना कि गूंगा बोल नहीं सकता इसलिए कि गूंगा सुन नहीं सकता। गूंगा अगर सुन लेता तो बोल भी लेता मगर उसे पता ही नहीं, तो उसको आवाज़ नहीं आती तो वो बोल नहीं पाता और बोल नहीं सकता। तो इसी तरह कानों का मामला है, जिसके कान सुरीले होते हैं, कान बता देते हैं कि कौन कौन सा सुर किस किस जगह पर है, तो वो गाता है आराम से एक आम आदमी। लेकिन जिसके कान ही बेसुरे हों तो वो कैसे गाएगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, उसने उस सुर की जगह को देखा ही नहीं है, यानी सुना नहीं है। जब सुना नहीं है तो अदायगी कैसे करेगा। ये बात हो गई। अब आते हैं अदाकारी की तरफ। अदाकारी में जो बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ, मैंने रेडियो से इब्तिदा की थी जहाँ पे अदाकारी होती है और वो एक बड़ा मुश्किल काम है,
मेरे लिए तो नहीं था क्योंकि मैं वहाँ से मेरी इब्तदाई तरबियत वहाँ हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, एक सामने एक साकित माइक खड़ा है और उस माइक के आगे बोलना है शब्दों में तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो लोग कहते हैं बड़ा मजाक खेज लगता है ये कि मैं इस तरह कहूँ, हाँ लगता होगा, लेकिन जब आप डूब कर करेंगे ना तो आप माइक को नहीं देख रहे होंगे, आपकी तवज्जो माइक की तरफ नहीं होगी, आपकी तवज्जो अपने आप पर होगी, उस करेक्टर पर होगी जिससे आप मुखातिब हैं। तो अदाकारी में यही कुछ होता है कि आप जो किरदार निभा रहे होते हैं आपको उसके कालिम में अपने आप को ढालना पड़ता है और जो मकालमे हैं उनको अदा करना पड़ता है। अब मकालमे की अदायगी एक अलग काम है, ये खैर अदाकारी पे हम मुख्तलिफ़ लेक्चर्स बाद में भी करेंगे। तो ये तरीका जो है ना, अगर आप किसी जान पहचान के ज़रिए आ गए तो कुछ दिनों में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, मतलब ये कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, या बस आप एक भर्ती का सामान है कि आपको एक सीन में डाल दिया या दो सीन में डाल दिया और आपने जल्दी जल्दी अदाकारी उगल दी, तो उसको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप किरदार को निभा गए और डायरेक्टर को भी ये लगा और लोगों को भी देखने वालों को कि आप आगे चल के बहुत अच्छे और बड़े काम कर सकते हैं, तो यकीनन आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है या उनकी शक्ल जैसी भी है, अल्लाह ने बनाई है, तो हर किरदार के लिए ज़रूरी नहीं है कि हीरो ही हो। ड्रामे में आप देखें ना, एक हीरो होता है, बाकी और भी तो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए भी तो आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, और उनमें कितने बड़े बड़े नाम आज दुनिया में अदाकारों के हैं, सारे ही तो हीरो नहीं बन गए। तो हीरो तो चंद होते हैं और बहुत कम होते हैं, और हीरो की लाइफ भी बहुत कम है, बहुत जल्दी इंसान बूढ़ा भी। ये फिल्म लाइन नहीं है, फिल्म लाइन में तो 50 55 60 साल की उम्र तक लोग हीरो आते हैं। तो यहाँ पर ज़रा जल्दी चेंज हो जाता है आर्टिस्ट और वो कैरेक्टर रोल्स में आने लगता है, क्योंकि एज झलक जाती है, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। फिल्म में तो एक टाइप है, उस टाइप को लोग देखने आते हैं। तो अब रहा दूसरा, किस्मत। देखिए, अगर किस्मत आप पर मेहरबान है तो आप हाथों हाथ लिए जाएंगे, आपको टैलेंट भी फौरन आपका जो है वो पसंद किया जाने लगेगा, और आप जैसा भी कर रहे होंगे ना लोगों में अप्रिशिएट हो रहा होगा। बाद लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाम उन्हें देखती है और उनके दिलों को आप छू लेते हैं तो वो हिट हो जाता है। ये भी एक वजह होती है पसंदीदगी की कि आपकी किस्मत अच्छी है। किसी को 10 साल काम नहीं मिलता, और किस्मत जिसकी अच्छी हो उसे एक दिन में एक लम्हे में काम मिलता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा जान पहचान की बात हो गई, किस्मत की बात हो गई, टैलेंट का ये है कि उसके लिए आपको, अब तो देखें कितना आसान हो गया है, मोबाइल आपके पास है, आपके पास नहीं है आपके किसी दोस्त के पास होगा, दोस्त के पास हो तो आप उससे और मिलके एक टीम बनाएं, और टीम बना के वो वीडियो रिकॉर्ड करे, आप उसके सामने परफॉर्म करो, परफॉर्म करके आप देखें उसको कि मैंने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, बुरा किया और आप समझते हैं बुरा है इससे बेहतर हो सकता है, तो मतलब आपको 5 नंबर मिल गए इस बात के। अब आप दोबारा कोशिश करें, फिर तिबारा कोशिश करें, बार बार वही दोहराते रहें कोशिश को, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से अपने आप को दोहराएं, अपने काम को दोहराएं, फिर आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जहाँ शुरू हो गई समझ लें आपका काम जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिस आपको अपने दोस्त के साथ घर पे करनी पड़ेगी, और फिर उसके साथ साथ आप कोई एक चैनल ज्वाइन कर लें, जैसे मेरा ही चैनल है, आप अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड करें,
अदाकारी के लिए कुछ मकालमे लिख लें, दोस्त को भी शामिल कर लें, और कोई सबक आमोज बात हो उसमें, कोई नसीहत हो, थोड़ा सा विटी हो, थोड़ा सा उसमें कॉमेडी हो, तो आप भेजें, मैं उसको अपनी वीडियोस में शामिल करूँगा इंशाल्लाह। अपने नाम के साथ भेजें और मुझे बड़ी खुशी होगी। पंखा बंद है, पसीने आ चुके हैं बहुत सारे, और वीडियो भी मेरी काफ़ी तवील हो गई है, 10-11-12 मिनट की शायद बन गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है इस वीडियो से मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और जवाब दूँगा। जज़ाकअल्लाह, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है खालिद ज़फ़र और मेरे YouTube चैनल का नाम भी है खालिद ज़फ़र। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल का आइकन है इसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का भी पता चलता रहे।